धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आज मानवतावादियों से मैं दो टुक अपना विचार बताना चाहूंगा कि मानवता पर किस तरीके से लोग कुठाराघात कर रहे हैं या मानवता पर किस प्रकार लोगों का कुठाराघात हो रहा है। इन्हीं बातों को लेकर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कि हमारा ये मानव समाज का ही दुर्भाग्य है कि हमने सत्य को जानने का प्रयास नहीं किया। अपनाना तो बहुत दूर की बात। आर्य जी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। अज्जू जी को भी नमस्ते। आर्य जी बड़े मौके पे आप पहुंचे हैं और सबसे पहली उपस्थिति हमारे भाई मुंबई से मगनलाल जी ने दिया है और कई लोग साथ जुड़े हैं। नमस्ते जी हाँ नमस्ते नमस्ते। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि आज मानवता पर कुठाराघात किस तरीके से हुआ है और करने वाले मानव ही कह रहे हैं अपने को, अर्थात मानवता पर कुठाराघात करते हुए भी अपने को मानव कह रहे हैं। मेरा दो टुक केवल इतना कहना है कि मानवता का पाठ क्या है इसे तो जाना नहीं, अपितु मातु मानवता को ही तिलांजलि दे करके अपने ऊपर माहौल लगा रहे हैं कि हम मानवता मानव हैं, मानवता वाली विचारधारा से संपर्क है हमारा। लेकिन यह सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो यह है कि मानव कौन है और जिन मानवों के लिए मानवता वाली विचारधारा है, मानवता वाली विचारधारा पर सबने मिलकर के कुठाराघात किया है। इन बातों को अगर जानना हो, देखना हो, समझना हो, परखना हो तो हमें लौटना पड़ेगा ऋषि मुनियों के पास, अर्थात ऋषि मुनियों के द्वारा ही मानव समाज को ये उपदेश मिला है जिसे दुनिया वालों ने जानने का भी प्रयास नहीं किया। अमल पे लाना तो बहुत दूर की बात है। मैं छोटा छोटा प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा कि इस मानवतावादी पाठ को हमारे ऋषियों ने आदि सृष्टि में किस तरीके से हमें बताया है, दिया है। यजुर्वेद के 40वां अध्याय में यह उपदेश आया है कि असुरिया नाम के लोका अंधन्ते तमसावृता तात्ते प्रत्यापीप गच्छन्ति ये के चात्म हनु जनहा। इसमें क्या बताया गया कि हे मनुष्य, असुर, दैव, राक्षस, पिशाच एवं दुष्ट जो आत्मा में और वाणी में अंतर रखता है, अर्थात बोल कुछ रहे और कर कुछ रहे, उन लोगों के लिए परमात्मा का ये उपदेश है कि उन्हें असुर कहा गया है। कोई भसुर मत समझिएगा। असुर के माने होता है असामाजिक, असुर के माने होता है मानवता विरोधी। मानवता विरोधी जो लोग हैं उन लोगों के लिए बताएं कि कर्म में कुछ और वाणी में कुछ है, वह कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार होकर आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। कौन लोग? याद रखना, और आर्य समाजी कहलाने वालों भी, ये संपूर्ण मानव समाज के लिए मैं बता रहा हूं, जो मानव कहलाकर दिल में कुछ रखता है, जुबान में कुछ बोलता है, मन, वचन और कर्म तीनों एक नहीं है, उन्हें असुर कहा गया है, असामाजिक तत्व कहा गया है। एक ही उनकी आत्मा जो है वो अंधकारमय है, अंधकार में ही विचरण कर रहा है। वो पिशाच भी कहा है यहाँ पर, वो पिशाच है एवं दुष्ट है कि जो दिल में कुछ रखता है और बाहर कुछ बोलता है, दिखाता कुछ है। और जो लोग जो आत्मा में सो मन में
जो मन में सो वाणी में, जो वाणी में वो सो कर्म में, जो कपट रहित आचरण करते हैं वही दैव आर्य। सुन लेना आर्य लोगों, कान खोल करके सुनो, जो अपने को आर्य समाजी कहलाते हो। आर्य होना दूसरी चीज है, समाजी बनना दूसरी बात है। 5 रुपया से लेकर के 5,000 5 लाख तक दे दो तो मेंबर बन जाओगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कि आर्य सौभाग्यवान जन सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक तथा परलोक में भी अनुपम सुख को प्राप्त करते हैं। परलोक के माने ये मत समझिएगा कि हमारा कोई मृत्यु के बाद वाली जिंदगी में जन्नत और जहन्नुम है, जहां पर हूर और गलमा आदि आदि है, वो ये सब नहीं है। वेद में उसकी चर्चाई नहीं है। वेद में ये बताया गया है कि आने वाला समय मानव समाज से हटकर जब इसी मानव से हम अपना चोला को बदलेंगे तो हमारे किए हुए कर्म के अनुसार ही हमें जाना पड़ेगा वहां। तो आने वाला समय हमारा अच्छा हो, अर्थात इसी मानव ही अपने कर्म के अनुसार देवत्व को प्राप्त करता है। देवता कोई आसमान से गिरते नहीं है, जमीन के अंदर से निकलते नहीं है, यही मानव ही देवता बनता है, मानव ही राक्षस बनता है। कैसे? अपने कर्म अनुसार, अपने कर्म के मुताबिक। जो अपना कर्म सही रखा, जो अपना कर्म सही किया, उस तरीके से उनको वो फल मिलेगा। अब देखिए, मैं ये चीज आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूं कि ये आदि सृष्टि में या सृष्टि के आदि में परमपिता परमात्मा ने ऋषियों द्वारा अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन चारों ऋषियों के द्वारा उनके हृदय में यह प्रकट करा दी। ये नहीं कि कोई दूत ले आया, फिर उसको सुनाया, फिर कहीं दिल को निकाल करके कहीं पानी में धोया, ये सब बातें नहीं है। ऋषि वही होते हैं, ऋषि वही मंत्र दृष्टा, जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं, मंत्रों के दृष्टा होते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। और वो अपने कर्मों के अनुसार, ये मत समझिएगा कि वही पहला ही है, नहीं, उसे हर प्रकल्प में ये बातें होती रहती है। तो ऋषि वही होते हैं जिनकी आत्मा परिष्कृत हो। यहाँ परिष्कृत करने के लिए वही बता दिया कि आत्मा परिष्कृत क्यों और कैसा किया जाना संभव होगा, कि जो मन, वचन और कर्म, ऋषि दयानंद इस पर बल देते हैं, मनुष्य एकम, वचनस्य एकम, कर्मण्य एकम। लेकिन यहां पर धरती पर विचरण करने वाले, ये ज्यादातर मानव कहलाने वाले, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, मन के अंदर में कुछ लिए और बैठे हैं, उन लोगों के लिए कहा कि वो कभी भी आने वाला समय में देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। देवत्व को प्राप्त करने के लिए मन, वचन और कर्म, ये तीनों को एक रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे वेदों के पढ़ने वाले, वेदों के जानने वाले, वेदों का शिक्षा देने और दिलाने वालों को मैं देखा, मन में कुछ है, बोल कुछ रहे हैं, आचरण कुछ और है, यानी जिसको बबूला भगत कहा गया है। इसमें तो वेद में इसमें मना किया है, वेद में स्पष्ट कहा है कि नहीं, ऐसा संभव नहीं होगा। आने वाला समय तुम्हारा अच्छा हो, तुम देवत्व को प्राप्त करो, तुम्हारी प्रोग्रेस होनी चाहिए, उन्नति होनी चाहिए। तुम ऐसा न करो कि तुम्हारी अवनति हो। ऊपर उठना चाहिए, ना कि नीचे गिरना चाहिए। तो ऊपर उठना और नीचे गिरने का क्या तरीका बताया? कर्म। कर्म से ही मानव ऊपर उठता है और कर्म से ही मानव नीचे गिरता है। यही देखिए मैं प्रमाण दे रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आज इतने 9.5 लाख वर्ष हो जाने के बावजूद भी मर्यादा पुरुषोत्तम कह के पुकार रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कह के पुकार रहे हैं, राम का नाम लिया जा रहा है, उनके किए हुए कर्मों का गुणगान गाया जा रहा है। यह है कर्म। और रावण का भी नाम लेते हैं, रावण का भी नाम लेते हैं। कैसे? कि उसका, रावण का जो किया हुआ काम था उसी को ही दर्शाया जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि जब आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने ऋषियों के हृदय में ये बात प्रकट करा दी, ऋषियों के मुखारविंद से मानव समाज को ये ज्ञान मिला, मानव समाज को ये ज्ञान प्राप्त हुआ, मानव समाज को ये जानकारी मिली कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा फल,
बुरा करोगे नतीजा भुगतना पड़ेगा। पर मैं आज दुनिया वालों को ये बताना चाहता हूँ, वेद में एक मंत्र मैं बोला हूं, ऐसा अनेक मंत्र हैं, वहां हिरण्यमयेन पात्रेण, वह भी 40वां अध्याय का ही है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार के जितना भी उपदेश है वो आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र के लिए ऋषियों के द्वारा प्राप्त हो चुका है, सृष्टि के आदि में। और यहां ये लोग बतला रहे हैं कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। जैसा एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिका व अरसलनाक लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। लेकिन वैदिक सिद्धांत से हट करके यहां बोला देखिएगा कि वहां शब्द है मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह, इंसान तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज अल्लाह की तरफ से है, और तुझे जो कोई बदहाली पेश आती है वो तेरे किए हुए कर्मों का सबब है। मैं आज इसी एक बात को दुनिया वालों को, समग्र मजहब वालों को चैलेंज दे रहा हूं, चुनौती दे रहा हूं कि अगर यहां कर्म के आधार पर यह बताया गया कि कर्म तुम्हारा अच्छा होगा तो अच्छा नतीजा है, गलत होगा भुगतना पड़ेगा, कि वे कर्मों का सबब है, तो ये तो आदि सृष्टि में ही ऋषियों ने वेद वाणी के माध्यम से परमात्मा को उपदेश को दुनिया वालों को सुनाया, तो कुरान में नई बात कौन सी आ गई आज जो अल्लाह बार बार कुरान में कह रहे हैं कि ईमान लाओ ईमान लाओ ईमान लाओ। अरे ईमान है क्या तेरे पास? किसको ईमान कह रहा, किसको ईमान कहा जा रहा है? ईमान के माने होता विश्वास, तो किस पर विश्वास किया जा रहा है? अब अल्लाह ने यहां कुरान में साफ कहा है, अनेक जगह, एक दो जगह नहीं, अनेक जगह बोला है कि ईमान लाए बगैर चारा नहीं है, ईमान लाना पड़ेगा, इस्लाम को स्वीकार करना पड़ेगा। भाई इस्लाम स्वीकार करेंगे अगर, तो इस्लाम में नई बात कौन सी आ गई? मैं चुनौती दे रहा हूं संपूर्ण इस्लाम और ईसाइयत को कि आओ मैदान में। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि सामने आकर के डिबेट करो, सामने आकर के बैठो तो पता लगेगा सच्चाई कहां है, किसके पास है, सच्चाई जानता कौन है। तो कुरान में नई बात कौन सी आ गई यहां पर? अल्लाह ने कौन सी नई बात दुनिया वालों को उपदेश में दिया? अल्लाह ने तो ये बताया कि इस्लाम को स्वीकार करो, आमंतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व कद्र खैरी व शरी मिनल्लाहि तआला व बा सबात। और जो ईमान का दायरा है वहां ईमान लाता मैं अल्लाह पर, अल्लाह पर ईमान लाने के लिए यहां भी तो बोला है, यहां भी तो परमात्मा को मानने के लिए, परमात्मा को विश्वास करने के लिए, परमात्मा पर अकीदा रखने के लिए वेद मुकद्दस में तो यही बताया है कि परमात्मा के ऊपर तुम्हें विश्वास करना है, और विश्वास करने से भी बात बनेगी नहीं, मन वचन और कर्म तीनों से तुम्हें विश्वास करना होगा, बोलना होगा। तो इसमें अल्लाह पर विश्वास करना, वह मलाइकती, मलाइका माने फरिश्ता, फरिश्तों पर विश्वास करना, फरिश्ते का क्या मतलब हुआ, कौन आया यहां पर फरिश्ता? अब फरिश्तों के बगैर अल्लाह का काम नहीं चलता, बोले ना, कौन बोलना चाहता है, कौन बताना चाहता है? जो चिल्पो कर रहे हैं यहां वहां बैठ करके, ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, आए सामने आए, अगर किसी के पास हिम्मत हो तो सामने आकर के डिबेट करे। और मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि सब नंगे हो जाएंगे। जब ये सारा उपदेश आदि सृष्टि में ऋषियों ने मानव मात्र को दिया है, तो कुरान में नई बात कौन सी आ गई? बाइबल में नया क्या कुछ बताया गया कि ईसाई बनने पर ही बनेगी बात, मुसलमान बनने पर ही बात बनेगी, मानव जीवन सफल होगा? इसमें मानव जीवन की बात ही कौन है? कुरान को मानने पर कोई मुसलमान बन सकता है, बाइबल को मानने पर कोई ईसाई बन सकता है, लेकिन आप वेद को मानो या ना मानो, आप हर हालात में मानव ही रहोगे। राम को मानो या ना मानो, हर हालात में आप मानव ही रहोगे। कृष्ण को मानो या ना मानो, हर हालात में आप मानव ही रहोगे। लेकिन मोहम्मद को माने बिना कोई मुसलमान बन सकता है? आए ना कोई मैदान, कौन आ रहा है? इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, यार जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, कुरान से ही मैं प्रमाण दे रहा हूं, कुरान में ही ये मौजूद है जो मैं पहले ही बताया कि मा आसाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा आसाबक मिन सय्यातिन फमिन नफ्सिक। कोई ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो अल्लाह के तरफ से है, और जो बदहाली पेश आती है ये तेरे काम का सबब है। मौलाना साहब बताओ, तुम बड़े तबलीगी मत जमात चला रहे हो,
तुम अमीर कहलाते हो, अरे अमीर हो या गरीब सामने आओ, पता लगेगा हम कुरान से ही धराशाई करेंगे। ये जितने भी इस्लाम के मानने वाले हैं, जितने भी ये दूरदर्शन में बैठ करके चिरपो कर रहे हैं, दिन हाँक रहे हैं, ये कोई नहीं जानता इस्लाम को, कोई नहीं जानता कुरान को। मुसलमानों को जानने से पहले कुरान का जानना बहुत जरूरी होगा, कुरान को जाने बगैर इस्लाम का जानना संभव नहीं होगा। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, जब कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र फरमाया है कि तो जो जो कोई खुशहाली पेश आती है वो अल्लाह की तरफ से है, तो इस समय मौलाना साद तबलीग जमात के सदर खुशहाल में है या बदहाल में हैं, क्या खबर लिया जाए उनकी? पुलिस से भागे फिर रहे हैं। अब उसका वकील कह रहा है भागे नहीं है। अरे भागे नहीं है तो इसका मतलब तुझे मालूम है, और एंकर वाले कोई भी बैठ करके उसको नहीं बोला जब भागे नहीं है तो तू बता कहाँ है, उसी को अरेस्ट करना चाहिए, कहाँ है तू जान करके भी नहीं बोल रहा है। ये सब बदतमीजी हो रही है। और दूरदर्शन वालों की बात मैं क्या क्या बताऊं, दूरदर्शन वाले तो सत से कोसों दूर, ये जानते नहीं है सच्चाई को और न सच को उजागर करना चाहते हैं। मैं आज एक निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मानवता की पाठ आदि सृष्टि में वेद मुकद्दस में परमात्मा ने ऋषियों के द्वारा मानव समाज को उपदेश दिला चुके, तो कुरान में नई बात कौन सी आ गई? कुरान में नया क्या बताया गया इससे अलग? जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। लेकिन अल्लाह तो यह कह रहे हैं कि नहीं, फल तो मिलेगा पर हम तो जिसको चाहेंगे माफ कर देंगे। अरे वो अल्लाह हो सकता है, परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा की न्याय व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं बार बार, अल्लाह और ईश्वर दोनों में अंतर है, दोनों में भेद है। हमें पाठ ही तो गलत पढ़ाया गया, मोहनदास करमचंद गांधी ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कह के ये वैदिक संस्कृति पर कुठाराघात किया है, जो कभी भी जाना नहीं इस्लाम क्या है, कुरान क्या है। मैं निवेदन कर रहा हूँ भारतवासियों से विशेष करके कि कुरान का पाठ अगर उन्होंने हिंदुओं के मंदिर में बैठ करके किया कि ये भेदभाव ना रहे, भेदभाव मिट जाए, हिंदू मुस्लिम एकता हो जाए, तो कुरान का पाठ जब उन्होंने हिंदुओं के मंदिर में बैठ करके किया तो गीता का पाठ भी तो किसी मस्जिद में बैठ करके करना चाहिए था। है किसी हिंदू के पास ये प्रमाण? बोले ना प्रधानमंत्री जी, बोले ना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी, है हिंदू? कौन हिंदू है जो इसका प्रमाण ला सकता है कि हाँ उन्होंने गीता का पाठ भी किसी मस्जिद में बैठ करके किया? अरे मौलाना शौकत अली तो मुंह पे ही कहा था कि एक भटका से भटका वो मुसलमान, गांधी से कहीं ज्यादा गुना अच्छा है क्योंकि वो मुसलमान और गांधी काफिर है। ये तो है इस्लाम। केवल इतना नहीं, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। मैं ये नहीं बदल करना चाहता हूँ कि परमात्मा में और अल्लाह में यही भेद है। इस भेद को हमने जानने का प्रयास नहीं किया, इस भेद को जब तक हम नहीं जानेंगे तो हमें मानव कहलाने का भी हकदार हम नहीं बन सकते। मानव कहलाने के लिए सत को जानना ही पड़ेगा, सत को अपनाना ही पड़ेगा, सत पर आचरण करना ही पड़ेगा, लेकिन हमें पाठ गलत पढ़ाया गया। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि मौलाना साद ये बताए कि उनके ऊपर जो पुलिस ने शिकंजा कसी है उनके किए हुए कर्म है या नहीं है। और ये तो अल्लाह ही कह रहे हैं, अल्लाह ने केवल इतना ही, अल्लाह ने और क्या कहा और भी मैं सुनाता हूं। देखिए यहां पर क्या कहा अल्लाह ने कि वलिल्लाहि फिस समावाति वमा फिल अर्दि यगफिरु लिमन यशा व युअज्जिबु मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है, आसमानों में बहुवचन में आया है, आसमान खाली जगह, यही ज्ञान अल्लाह को नहीं है, ना कुरान को है, ना कुरान वालों को है। खाली जगह का नाम आसमान होता है, स्पेस का नाम आसमान होता है, और आसमान अनादि है ये जानते ही नहीं है। और खुदा का ही है, जिसको चाहे बख्श दे, जिसको चाहे सजा दे। अरे वो मौलाना साहब, अगर कुरान के मानने वाले हो, और हर मौलाना को मैं चुनौती दे रहा हूं जो कुरान के मानने वाले हैं, जो सजा मिल रही है या जो कुछ हुआ है ये अल्लाह के कराए हैं। अगर कुरान झूठ है तो आओ मैदान में। जब अल्लाह ही जिसको चाहता है बख्श देता है और जिसको चाहता है सजा देता है, तो फिर आप कहां हो, किस पर दोष लगा रहे हो? यह अल्लाह ने और जिक्र फरमाया, यमहुल्लाहु मा यशा व इस्मित व इंदहु उम्मुल किताब। फिर हम में से खुदा जिसको चाहता है मिटा देता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये है अल्लाह, ये है अल्लाह के कलाम।
ये है अल्लाह की न्याय व्यवस्था, ये है अल्लाह का विचार, ये है अल्लाह की दकियानुसी। इसीलिए मतलब अल्लाह जिसको चाहता है मिटा देता है और जिसको चाहता है बाकी रखता है, बख्श देता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज मौलाना साध जो लुके फिर रहे हैं, छिपे फिर रहे हैं कि उनके किए हुए कर्म है या नहीं, क्या कुरान को अस्वीकार कर सकते हो किए हुए कर्म के अनुसार? इसमें क्या हुआ, यही किए हुए कर्म। इसीलिए मैंने वेद से वो हवाला दिया पहले कि जैसा बोलो मन में भाव वही रखो, आचरण भी वही करो, लेकिन इन लोगों का मन वचन और कर्म ये तीनों अलग है, तीनों अलग है, तीनों अलग है। बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। इसीलिए मैं दावा के साथ आज कहूंगा कि मानवता का पाठ कुरान में नहीं है। मैं तो 2004 के 1 अगस्त में जब वो फारूक खान के साथ, फारूक खान वो कुरान का जो जिन्होंने हिंदी अनुवाद किया है, उनके साथ 2004 के 1 अगस्त में खारी बाउली आ रही है समाज में मेरा डिबेट हुआ। मैं उनको ये 4 सवाल किया था कि मानवता का पाठ कुरान में नहीं है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी ये सब दूरदर्शन में सभी एंकर वाले ये बता रहे हैं कि एक बुजुर्ग को हिंदू कोरोना वायरस के चपेट में आकर के उनकी मृत्यु हो गई, उनका कोई है नहीं और सारे मुसलमान उनको ले जा रहे हैं कहाँ, शमशान, उनके दाह संस्कार कराने के लिए। और ये दूरदर्शन वाले डिंग हांक रहे हैं ये मानवता का प्रचार है, मानवता की रक्षा है। अरे वो मानवतावादी लोगों, मानवता के प्रचार करने वालों, अगर मुसलमानों ने उस सबको दाह संस्कार कराने के लिए मुसलमान लोग ले जा रहे हैं, पर मुसलमानों का तो विश्वास, मुसलमानों का आकीदा, मुसलमानों का भरोसा कुरान पर है, जिस कुरान को पत्थर की लकीर मानते हैं, जिस कुरान के लिए ये दम भरते हैं, क्या उस कुरान में अनुमति है? इसलिए तो आज मैं लिख करके दिया हूं, सुनो सारे एंकर वाले जितने भी भारतवर्ष के अंदर में टीवी चैनल है, सभी चैनल के अंकरों को कान खोल करके सुन लेना चाहिए। अल्लाह ने मना किया है इस काम को करने के लिए। मैं आज सुबह लिख करके दिया हूं कि वला तुसल्ली अला अहदिहिम मिनहुम माता अबदा वला तकूमू अलल कब्री इन्नहुम कफरू बिल्लाहि व रसूलिही वमातू वहुम फासिकून। और उन मुनाफिकों में से जो मर जाए, सुनो कान खोलकर, ओ एंकर वाले कान से मैला निकाल दे और सुन ध्यान से, और सेकुलर वादी भी सुने, विशेष करके कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले सुने, जो अपने को सेकुलर वादी बतलाते हैं वो भी सुने कुरान में अल्लाह ने क्या कहा कि उन मुनाफिकों में से जो मर जाए तो कभी भी उसी के जनाजा में, उसके जनाजा में शरीक ना होना, कभी भी उनका जनाजा ना पढ़ना और ना उनके कब्रस्तान में जाना। जब ये अल्लाह को ये मालूम नहीं, अल्लाह ने यहाँ कब्रस्तान भी, अब ये अनुवाद है कि यहाँ पर कब्रस्तान, ये मौलाना फारूक खान ने अनुवाद किया है कब्रस्तान, जबकि हिंदुओं का कब्रस्तान नहीं होता, ये नकल के दुश्मनों को इतनी सी बातों की जानकारी नहीं है। यहाँ कब्रस्तान लिखा है, कब्रस्तान पर मत जाओ, खड़े ना होना, वहां खड़ा भी होना मना है, कि लोगों को यह यकीन खुदा उसके रसूल के साथ कुफर, ये जाना क्या होगा, खुदा और रसूल के साथ कुफर होगा। है कौन माइकल आ जा सामने, ये जितने दूरदर्शन वाले हैं मैं सबको चुनौती दे रहा हूं, अगर जानता है सच्चाई तो सामने आ, महेंद्रपाल आर्य का मुकाबला कर, कुरान के जानने वालों से और बाइबल के मानने वालों से भी मेरा दो टुक में यही कहना है। कल एक बाइबल के मानने वाले एक महिला का फोन आया कि किसी का नंबर दिया, किसी ने ये नंबर दिया, ये किसका है? मैंने कहा ये नंबर तो पंडित महेंद्र पाल आर्य का है, तो वो घबरा गई। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं, अब क्या बताना चाहती हो बताओ। नहीं 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 साहब, आपका नाम तो भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक के पादरियों को मालूम है। मैंने कहा बिल्कुल मालूम होगा और मालूम होना चाहिए, कितने पादरियों को मैं वापस लाया हूँ वैदिक धर्म में। क्या तो यहाँ अल्लाह ने क्या बताया कि ये कुफ्र होगा, क्या कुफ्र होगा, किसी हिंदुओं के शव को ले जाना, किसी हिंदुओं के शव के साथ शव यात्रा में शामिल होना कुफ्र है, कुफ्र अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने मना किया है। सुन लो कान खोल करके, अल्लाह वाले भी सुने और सेकुलर वादी भी सुने, या अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है,
अल्लाह कह क्या रहा है, अल्लाह क्या प्रचार कर रहे हैं। मुसलमानों को इस पर विश्वास करने के लिए, आकीदा रखने के लिए अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया है। यह है सूरह तौबा आयत नंबर 84। अब 85 को भी देखिए, वहां क्या बताया है कि वला तुअजिबका अमवालहुम व औलादहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज्जिबहुम बिमा बिहा फिद दुनिया वतज़हकू अन्नफ्सुहुम वहुम काफिरून। देखिए यहां पर अमवालहुम औलादहुम शब्द आया है यहां पर, कि उन्हें बताया कि और उनके माल और उनकी औलाद तुम्हें ताज्जुब में, हैरान में न डाल दें, उनके जनाजा में मत जाओ कि उनके बच्चों के अर्थात किनके, जो शब यात्रा जिनके साथ जा रहे हो, जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उनके शब यात्रा में जा रहे हो, उनके बच्चे उनके औलाद अगर रोना पीटना करे और उससे तुम्हारा मन डोल जाए, तुम्हारा मोह हो जाए उन बच्चों से। खुदा को सबसे चाहता है कि दुनिया में कभी उनके माल और औलाद की वो उनको जवाब में मुब्तिला करे और उनकी जान निकालने लगे, और उस भी वो सब के सब काफिर हैं। वो सब काफिर होने के कारण, काफिर होने के नाते उन काफिरों के जनाजे में, शब में जाना नहीं है कि उनके बच्चों के रोने पीटने से कहीं तुम मुतासिर हो जाओ, प्रभावित हो जाओ, तुम्हारा दिल पिघल जाए, कहीं उनके तरफदारी करने लगो। वो सब के सब काफिर हैं, अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। जानते हो कुरान को? कौन जानता है कुरान? आ सामने आ। मैं निवेदन कर रहा हूं कि यहां कुरान भरा पड़ा है। अल्लाह ने अनेक जगह बोला है कि तुम्हारे चाहने पर भी कुछ होने वाला बनने वाला नहीं है। वलौ शाअ अल्लाहु मा अशरकू वमा जअलनाक अलैहिम हफीजा वमा अंता अलैहिम बिवकील। और अगर खुदा चाहता तो ये लोग शिर्क ही ना करते। देखिए, अगर खुदा चाहता तो ये लोग शिर्क ना करते। मैं तो कल लिखा था, ये खुदा ही मानव समाज में लड़ाना चाहते हैं, खुदा ही मानव समाज को हिंदू और मुस्लिम में बांट रखा है, खुदा ही मानव समाज को परेशान किया हुआ है, खुदा ही मानव समाज को इस तरीके से एक दूसरे से लड़ाया है। तभी ये जो थूक रहे हैं ना, ये तो इनका थूकना और इनका नर्सों के साथ बदतमीजी करना, ये सारा शिक्षा कुरान का ही है। इसलिए यहाँ अल्लाह ने क्या कहा, और खुदा चाहता तो सब शिर्क करने वालों में से वालों को एक दिन में कर देता कि वो निगाहबान तो, और ना तुम उनके जिम्मेदार होते। अल्लाह ने नहीं चाहा, क्योंकि अल्लाह अगर चाहते होते तो ये मुसलमानों के द्वारा कोरोना वायरस के माध्यम से भारतवर्ष के लोगों को परेशान क्यों और कैसे किया जाता है? और वो भी दुनिया से बुलाया गया, बाहर से, दूसरे मुल्क से बुलाया गया। और ये जो दूसरे मुल्क वाले लोग आए, पहले से वो कोरोना वायरस के शिकार थे, उन्हीं लोगों को बुलाया। और ये लोग चिल्ला रहे हैं कि कुरान का है कोरोना। अरे कुरान का है या कुरान का बाप का है? आ जाओ सामने, किसका है कोरोना, ये कोरोना है या करोना है? आ जाओ सामने। मैं निवेदन कर रहा हूँ, दो टुक में केवल बताया हूँ कि आज मानव समाज पर कुठाराघात हो रहा है। आदि सृष्टि में परमात्मा का जो उपदेश है, इसमें नई बात कुछ कोई भी कुरान और बाइबल में नहीं है। कुछ नई बात इनसे हमें सीखना पड़ेगा। और अगर कुरान और बाइबल ये इसे मिथ्या प्रमाणित हो रहा है कि कुरान की मान्यता है कि कुरान को मानो, मोहम्मद को मानो, मोहम्मद की पैरवी करो, तभी छुटकारा पा जाओगे, सभी ठीक हो जाएगा। क्यों? कि जब अच्छा काम के लिए अच्छा नतीजा मिलेगा, वो तो आदि सृष्टि में ऋषियों ने बोल दिया, मैं पहले ही बोला हूँ। इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुरान में कोई नई बात नहीं है। अगर कुरान में कोई नई बात है तो लेकर के आए मैदान में। वेद से हट करके कोई नई शिक्षा है वो लेकर के आए। हाँ, नई शिक्षा है, क्योंकि वेद में यह पाठ आप नहीं पाएंगे। वेद में अमानवीयता की बात नहीं है। वेद में ये नहीं पाएंगे कहीं पर के मुसलमानों के जनाजे में मत जाओ हिंदुओं,
मुसलमानों के जनाजे में काफिर मत जाओ, मुसलमानों के जनाजे में आर्य मत जाओ, ये उपदेश वेद में नहीं है, क्योंकि वेद में ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ईसाई है, ना सिख है, ना जैनी है। वेद में समग्र मानव मात्र के लिए उपदेश है। यथे मम वाचम कल्याणी मा वदानी जनेभ्यो, ये कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। इसीलिए मैंने निवेदन किया, दो टुक में आप लोगों को यह बताना उचित समझा, और दो टुक में मैं आप लोगों को यही बताना चाहा कि परमपिता परमात्मा ने आदि सृष्टि में ही मनुष्य मात्र के लिए सब कुछ, क्या करना क्या नहीं करना, कब करना कब नहीं करना, जीवन लेकर के मृत्यु पर्यंत तक आदेश और निषेध बता दिया है वेद के माध्यम से, ऋषियों के द्वारा बताया है। इसमें कुरान में कोई नई बात नहीं है। अगर नई बात है तो अमानवीयता की बात है, अगर नई बात है तो हिंदू और मुस्लिम की बात है, अगर नई बात है तो ईमानदार और बेईमान की बात है, अगर नई बात है तो पैगंबरवाद की बात है और फरिश्तों की बात है। इसीलिए वेद में पैगंबरवाद नहीं है। मैं तो चुनौती दे रखा हूँ लाकिन नायक के लिए, मैंने बोला ना, ये जो बता रहे हैं कि कितने हिंदुओं को इन्होंने बना दिया, ये किया वो किया, अरे अनेक हिंदुओं को बनाया होगा, एक महेंद्रपाल को आज 37 साल से नहीं बना पाया कोई मुसलमान। जाकी नाइक हो, जाकी नाइक अब्बा, उसके गुरु मियादाद को भी मैं 2 वीडियो बना करके दिया हूँ मियादाद के जवाब में, कोई नई बात उन्होंने नहीं बोली। नई बात वो जानते नहीं है, नई बात लाए नहीं कहाँ से, आदि सृष्टि में तो सब कुछ बता दिया है। अब कुरान में जो बातें हैं वो उससे हट करके है, बाइबल में जो बातें हैं वो उससे हट करके है। मानवता पर कुठाराघात कुरान और बाइबल के द्वारा हुआ है, इन मानव कहलाने वालों ने किया है। मानव कहला करके भी आज मानवता पर कुठाराघात करते हुए भी अपने को मानव कहला रहे हैं। इसीलिए बंधुओं, मैं अधिक ना बोलता हुआ वाणी को यहीं पर विराम की ओर ले जाना चाहूँगा कि हमें किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात हम वेद के मानने वालों को, वेद पर आचरण करने वालों को, वेद पढ़ने वालों को, वेद जानने वालों को कुरान और बाइबल से सीखने की आवश्यकता नहीं है। कोई मानवता विरुद्ध बातें हैं वहाँ पर। इसीलिए मानवतावादियों को भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भी मानवतावादी बनो, सेकुलरवादी मत बनो। सेकुलरवादी बनने से मानवता पर कुठाराघात होगा, क्योंकि सेकुलरवाद शब्द ही गलत है, वो धर्म निरपेक्ष शब्द ही गलत है। कोई, मैं पूछना चाहता हूँ आज सभी भारत के राजनेताओं से जो अपने को धर्म निरपेक्ष बतला रहे हैं, क्या वो अपने पत्नी को माँ बोलते हैं या अपना माँ को पत्नी मानते हैं? तो वहां धर्म सापेक्ष की ओर कैसे हो जाता है? तो धर्म निरपेक्ष कहाँ है? लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में, उससे बाहर नहीं। इसलिए याद रखना, आहार निद्रा भय मैथुनांच सामान मेतात पशु भी नरणाम धर्म हितेशाम मलिक विशेषो धर्मेन हीना पशु भी समाना। आहार निद्रा भय और मैथुन, ये 4 चीज मनुष्य मात्र के लिए है और पशुओं के लिए भी है। हम आहार करते हैं, पशुओं को चारा डालना पड़ता है, निद्रा हम जाते हैं पशुओं को सोते हुए देखते हैं। भय इंसान को है, पशुओं को भी डर है। मैथुनी पावर, सेक्स पावर, संतान उत्पत्ति करने की क्षमता मानव में है और पशुओं में भी है, लेकिन मानव मात्र के साथ जुड़ा हुआ है धर्म। अगर धर्म से अलग हो गया तो वो पशु के समान है। और धर्म क्या है? मानव धर्म उसी को कहा जाता अपने माँ को माँ कहना, मानना, जानना, पिता को पिता कहना, मानना, जानना, जो वस्तु जैसा है ठीक ठीक उसको वैसा ही जानना, कहना और मानना, ये मानवता है। इसी का नाम धर्म है। इसीलिए हमें जानना पड़ेगा सच क्या है और झूठ क्या है। सत और असत को जब तक हम नहीं जानेंगे, सत पर हम आचरण जब तक नहीं करेंगे, तो हम मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे, चाहे वो जितना बड़ा राजनेता क्यों ना हो, जितना बड़ा आलिम क्यों ना हो, और जितना बड़ा आर्य समाज के अधिकारी या किसी भी संस्था के अधिकारी क्यों ना हो। अगर वो इसको नहीं मानता, नहीं जानता, नहीं समझता, मन वचन और कर्म में जिनके भेद है वो मानव कहलाने के अधिकारी नहीं है, संस्था के अधिकारी भले ही बने।
इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, हमें किसी और से सीखने की आवश्यकता नहीं है। हमें आदि सृष्टि में ही परमपिता परमात्मा ने ये सारा ज्ञान दिया है और उस ज्ञान के आधार पर ये सारा जितना भी ये दुकान है, जितने भी ये दुकान में सामान है, जितने भी ये दुकानदार लोग हैं, सब मिथ्या प्रमाणित हो रहा है। जब ये ज्ञान पहले से दिया हुआ है तो हम तुम्हारे पास क्या ज्ञान लेने के लिए जाएंगे? क्या सिखाओगे तुम? क्या है तुम्हारे पास जो दुनिया को सिखाना चाहते हो? आओ, यही कारण बना सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने की बात कही, सारे ऋषि मुनियों ने हमें वेदों की तरफ लौटने का उपदेश दिया, सारे ऋषि मुनियों ने वेद पर आचरण करने के लिए हमें उपदेश दिया है। तो मैं और अधिक ना बढ़ता हुआ अपने वाणी को नहीं परिविराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय।